हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल्स को, जब का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है अटल बिहारी का सेम ऐसा ही है। ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, ये सीपीएमटी के क्वेश्चन है, जो सीपीएमटी पहले होता था 2015-2012-13 के आसपास, जो है जो पहले यूपी में एमबीबीएस की सीटें भरी जाती थी, वो सीपीएमटी के थ्रू भरी जाती थी। तो क्वेश्चन का जो लेवल है अटल बिहारी वाजपेयी का, सेम वही लेवल है। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चंस आपको जो है इस सीपीएमटी के क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो देखेंगे सारे क्वेश्चंस जो हैं यही लेवल का है जो अटल बिहारी वाजपेयी में पूछ रहा है। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी बाय सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें वही हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो कॉलेज में वास्तव में आपको दिक्कत होगी, इसलिए अभी से आप लोग सीख लीजिए। अगर इंग्लिश नहीं आ रही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश आराम से सीख लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। द फाइलोजनी एंड इंटर्न रिलेशनशिप ऑफ टैक्सा बेस्ड ऑन नंबर, यहाँ पे देखिए टैक्सा बेस्ड ऑन नंबर है, नंबर के बेस पे है। एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का अरेंजमेंट है, तो ये है कायरो टैक्सोनॉमी है। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम्स कॉन्स्टेंस, और इसके बाद उसका आप लोग आर्डर याद कर लीजिएगा, किंगडम, क्लास, फाइलम, ये कुछ करके आर्डर है, टैक्सा है, स्पीसीज है, तो इसका आर्डर है, आर्डर जरूर याद कर लीजिएगा। आर्डर वगैरह पूछता है कि इसमें पूछा भी था आर्डर। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम्स कॉन्स्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथोजेनिक आर्किबैक्टीरिया मोनेरा, दो सेकंड चैप्टर है, जो इलेवंथ का सेकंड चैप्टर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इन प्रोकैरियोटिक्स द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट्स इवन द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस, व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, ये पूछ रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलती है। इधर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, द सेंट्रियोल्स रिप्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, इंटरफेज में रिप्लेस करता, देखिए जो है इंटरफेज है, इसके बाद एनाफेज है, टीलोफेज है, ये जो जितनी फेज है, ये जाइगोटिन पैकेटिन जो ये फेज है जो हम कह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, उसका आर्डर है, तो उसको आर्डर आप लोग याद कर लीजिएगा। और किसमें क्रोमोसोम के नंबर डबल होते हैं, किसमें डीएनए मल्टीप्लाई करता है, ये चीज़ें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद जो एनसीईआरटी में साइकिल बनी हुई है, यस फेज, जीवन फेज, जी टू फेज, एम फेज, ये फेज जो है जी नॉट फेज, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये सरफेस से ऊपर से ही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखेंगे, क्रॉस बिटवीन एफ वन हाइब्रिड एंड ए रिसेसिव पेरेंट्स गिव्स द रेशियो ऑफ 1:2n, ये रेशियो से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कितना रेशियो वगैरह होता है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, क्रोमोसोम इतना है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, तो कितना क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट्स आउटसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्लाज्मोन, व्हाट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर, अब देखिए सेक्स लिंक डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून, मतलब ये चीज आप लोग पढ़ लीजिए, सेकल सिलीमिया, फिनाइल क्यूटोनूरिया, एल्बिनिज्म, इसके बाद हेमोफीलिया, ये इसमें होता क्या है ये चीज़ें आप लोग, और थैलेसीमिया जो एनसीईआरटी है 12th की, उसमें सारी चीज़ें दी गई, और सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आता है। इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम, सिंड्रोम्स इन विच इंडिविजुअल सोमेटिक सेल कंटेंस, अब देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे क्लिफेंटन सिंड्रोम है, सुपर फीमेल है, इसके बाद टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम से क्वेश्चन आना ही आना, इसलिए सिंड्रोम को आप लोग जो है अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। इधर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लीव्स ऑफ मॉस प्लांट्स कंटेन नो स्टोमा बट क्लोरोफिल, जो स्टोमा है और ये क्लोरोफिल जो चैप्टर है उसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे जो है, हालांकि शायद सिलेबस से हट गया लेकिन उसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल,
एक लिंक में एमएल देखी, यहाँ पे पूछ लिया, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा हुआ था अटल बिहारी के, वन अंडरस्टॉर्म इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन अटल बिहारी का 21 का था। क्वेश्चन का पेपर बहुत ही सिंपल होता है जो है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस लाए हुए हैं, बाकी काफ़ी देख कर लाना पड़ता है कि क्वेश्चंस कौन से रिपीट कर रहे हैं नहीं रिपीट कर रहे हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन होगा जाके फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्टैंड। अगर आप नीट की तैयारी ठीक ठाक किए होंगे आपके सामने सब क्वेश्चन हलवा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फ्लोरस माइक्रोस्कोपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स, इसका ऑप्शन बी सही है, अल्ट्रावायलेंट लाइट। टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आ गया था 2021 में, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, तो स्क्रेटिंग ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी पूछ लिया था। और ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछता है, ऑप्टिक्स में इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, मतलब मिरर इतने सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो है। द टी आई प्लाज्मिड इज यूज फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, द प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टेरियम टिम्बीफेरम, ऐसे कुछ करके इसका पूरा है, नाइन्थ का डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ये लैगिंग स्टैंड हो गया, लैगिंग स्टैंड लीडिंग स्टैंड, और ये आप लोग देख लीजिएगा, और वहाँ पर जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो भी इम्पॉर्टेंट है जेल एक्टलो फोर्सिस में, ये भी क्वेश्चन पूछा था 21 में। द पोर्सन ऑफ डीएनए विच कंटेंस इंफॉर्मेशन फॉर एन इंटायर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन, डार्विन जो है 20th century, और जो इन सिटू है, एक सिटू है, और बायोडाइवर्सिटी है, ये चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th की बायो ही कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार पढ़ लेंगे बायो तो वहाँ से आपको जो है जीके में भी फ़ायदा होगा, बायो अगर आप ठीक से पढ़ लिए हैं तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए अभी समय है। द बॉन्ड एसोसिएशन विथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड एंजियोस्पर्म सेप्रोफाइट्स नियोटिटिया, इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस आप देखिए, यहाँ पूछ लिया G1 फेज यस और G2 M फेज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में आया था, 22 में भी शायद आया ही होगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, देखिए इंसेक्टिवोरस वगैरह प्लांट आपको पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, मोनोट्रोफा। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये क्वेश्चन देखिए 21 पूछा था, जो ये क्वेश्चन 12th की NCERT है उसको बार बार पढ़िए, एक बार नहीं 100 बार पढ़िए, 12th की NCERT इंपॉर्टेंट है, 11th की भी NCERT इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर 11th की NCERT से इंपॉर्टेंट है, बायो के कौन कौन से चैप्टर 11th की NCERT से इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में यही हम कवर करेंगे कि जो 11th की NCERT है उसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी 12th की NCERT पढ़ लिए, 12th की NCERT इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। NCERT सलाम इधर उधर ना जाएं, ये जितने क्वेश्चन देख रहे होंगे ये सब NCERT से है, तो NCERT से अगर पढ़े हुए हैं तो आप अच्छा करेंगे जो है, स्कोर अच्छा करेंगे, बाकी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको बेस्ट कॉलेज अगर लेना है तो आपको 8 नंबर का डिफरेंस लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के अंदर, मतलब अगर आपके 8-10 नंबर और आ जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ टीचर ही अवेलेबल नहीं है ठीक प्रकार से, सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, ऐसे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं, हालाँकि ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है, तो ये भी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन ऐसी करें, कॉलेज ऐसा लें जहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है और चीज़ें भी सही हैं, प्रैक्टिकल वगैरह चीज़ें हो रही हैं। तो बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन ए हाई सैलेटेड पिकल बिकॉज दे बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड एंड डेड अकर्स, तो बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एकोमोडेशन ऑफ गाउट, यूरिक एसिड आपको पता है क्रिस्टल्स जो है गाउट में जो है इकट्ठा हो जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, गाउट में ठीक है यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बता दें,
जो हमारी बोन है उसका जो मास है वो कम हो जाए, मतलब बोन खोखली हो जाए, आप मोटे मोटे तौर पे समझिए बोन में छेद हो जाए, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोमलेशियम होता है बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, बोन पतली हो जाती है। अब या तो ये बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन कारण जो है बोन पतली हो जाती है, ये भी कारण है ऑस्टियोमलेशिया का। और मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, इसमें हमारी जो कंडक्टिविटी है नर्व की वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो नर्व के ऊपर माइलिन शीथ होती है, आपको पता है कि न्यूरॉन में जो है वो नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं होती है जो। और ये भी आप लोग याद रखिए, स्पर्म में जो है वो सेंट्रियोल जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, और वो हेल्प क्या करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि इसमें वो ऊपर की जो लेयर होती है माइलिन शीथ होती है वो डीजनरेट हो जाती है, तो इसके कारण मायस्थेनिया ग्रेविस, ये सब डिसीज़ है, ये गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस और इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया और उसके मायस्थेनिया ग्रेविस, ये डिसीज़ है। ये कॉलेज में आएंगे आपको जो है सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, उस सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो उसमें पूरी ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको डिटेल में। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, स्वेटिंग जो है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये जो चैप्टर है वो जो थ्योरी दिया था वो डॉग की थ्योरी दिया था, मतलब कुत्ता सलाइवेशन में उसका सिक्रीशन होता है, उस थ्योरी का नाम पैवलो, एक कोई ऐसी थ्योरी थी उसका भी नाम याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाई साल्ट पिकल्स, ये तो हो गया है। इन C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज फर्स्ट फिक्स्ड इन मेसोफिल रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट सेल बाय सेल इंसर्ट्स ऑफ सीड्स इज नोन एज टिशू कल्चर। टिशू कल्चर और टोटीपोटेंट सेल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टोटीपोटेंस क्या होती है, टिशू कल्चर क्या होता है, और माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, ये भी चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो ऊपर की सरफेस वाली चीज़ें हैं पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल गया होगा क्या याद करना क्या नहीं याद करना है, ये चीज़ें भली भांति पता चल जाती हैं अगर आप NCERT को 10 से 15 बार पढ़े होंगे तो वही पढ़ें जो चीज़ें सरफेस की हैं जो ऊपर की हैं। अब टिशू कल्चर क्या है, ऊपर का है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, साइटोकाइनिन इसका आंसर है, साइटोकाइनिन कहाँ है, साइटोकाइनिन ऑक्सिन इसके बाद जिब्रेलिन और इथाइलिन, इसका जरूर पढ़ लेंगे, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ यूज होती है, क्या काम करता है ये जो है। द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्प्लीन, ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है स्प्लीन है, और हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लेता है, लॉन्गेस्ट बोन पूछ लेता है फीमर, आप पता है, और कभी का लीवर के बारे में पूछ लेता है, गॉल ब्लैडर के बारे में पूछ लेता है, इसके बाद फिर आपका जो हर्ट है उसके बारे में पूछ लेता है, ऐसे पूछ लिया था कि जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सी वाल होती है, वो ट्राई का स्पीड होती है एक बाई का स्पीड होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें आपको शायद पता ही होंगी सबको, इसमें नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 तो सिंपल ही है, डेंटल फार्मूला पूछा एडल्ट का, और डेंटल फार्मूला आना ही आना, इसलिए आप लोग देख लीजिए, डेंटल फार्मूला एडल्ट का है और चाइल्ड का, ये तीन जो डेंटल फार्मूला हैं और ये पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ट्रिंग ऑफ पी टेंड्रिल्स अराउंड ए सपोर्ट इज, यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर है, करेक्ट है, एग्जांपल क्या है, ए है करेक्ट ऑप्शन है, थिग्मोट्रोफिज्म है। क्लेवेज ऑफ फ्रॉग इम्ब्रियो इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक इक्वल, बहुत कम पूछता है फ्रॉग वगैरह का, बहुत कम पूछता है, नहीं पूछता है। द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गन्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड वाइल द अदर इज बीइंग बेनिफिशियल नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड, ये देखिए कि जहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये जो म्यूचुअलिज्म है, कॉमेंसलिज्म है, सिम्बियोटिज्म है, इसके बाद एमेंसलिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। म्यूचुअलिज्म में इसमें ये पूछ लिया था, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, ये पूछा हुआ था शायद 21 में, तो पूछा ही था ये क्वेश्चन।
सिंपल क्वेश्चन है जो कि हर साल वही रिपीट करते हैं, और आपको शायद ये क्वेश्चन सारे पता भी होंगे जो हम करवा रहे हैं। अगर नहीं पता इसको आप देख लीजिए। बाकी डेली इस प्रकार 50 क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होंगे। जो क्वेश्चन है ये सब CPMT के क्वेश्चन ही हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं लेवल वही पूछ रहा है, जो है सिंपल क्वेश्चन रख रहा है। और क्रिप्ट्स ऑफ लेवरक्यून आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइल पिगमेंट्स हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, बाइल किसमें हेल्प करता है, और बाइल का सिक्रीशन कहाँ से होता है, बाइल का स्टोरेज कहाँ पे होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बाइल पिगमेंट क्या हेल्प करता है, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। जिसका गाल ब्लेडर काट के निकाल दिया जाता है तो उसको दिक्कत होती है, जो है उसको दिक्कत किस में होती है, प्रॉब्लम किस में होती है, उसको प्रॉब्लम होती है फैट के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। पोर्शन ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड है सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल, और इनके फंक्शन सिक्रीशन ये चीज़ आप लोग याद रखें। हालांकि डाइजेशन हट गया है लेकिन आप लोग उसको याद रखेंगे, NCERT जो पुरानी वाली वही पढ़ेंगे, नए जो NCERT है नीट का सिलेबस है उससे डाइजेशन हटा दिया, सुनने में ऐसा आ रहा है कि सही है डाइजेशन हटा दिया, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे पुरानी। इन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड टोटली फ्रॉम दी बायोस्फीयर, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, और ये जो कंज्यूमर है, और GDP पूछ लिया था, ऐसे कुछ GDP वाला इस चैप्टर में है तो वो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। और कितना परसेंट एग्रीकल्चर का योगदान है, ये क्वेश्चन 12th की NCERT बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 12th वाली NCERT, उसको पढ़िए बार बार पढ़िए, और ऊपर के ही क्वेश्चन पूछेंगे, और 12th की NCERT से सिंपल NCERT कोई नहीं है। एफॉरेस्टेशन शुड बी डन बाई इंडिजीनियस स्पीसीज और एग्जोटिक स्पीसीज क्या होती है, और इंडोजीनियस स्पीसीज क्या होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है। सीड्स ऑफ विच प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड ब्लैक पेयर, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ चिनकोना प्लांट्स द ड्रग क्विनिन इज ऑब्टेंड, बार्क, यूनाइटेड नेशन यूरोटाइप प्रोग्राम UNEP, इसका फुल फॉर्म नहीं देखेंगे। WHO का कब गठन हुआ था ये देख लेंगे, यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लेंगे, और जो हमारे फूड वगैरह होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उसका कुछ फुल फॉर्म है उसको भी आप देख लेंगे, जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्या है। FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो FCI का फुल फॉर्म आप देख लेंगे जो है। और WHO हो गया, ये यूनिसेफ हो गया, FCI हो गया, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज़ और देख लेंगे, जो हमारा नेशनल हाईवे होता है और जो हाईवे होता है इनका जो कलर कोडिंग होता है ये देख लेंगे। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, एम्स 2018 का एग्ज़ाम हमने दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती क्योंकि ये GK का क्वेश्चन है। अगर आपके पास एम्स का GK वाला पोर्शन है तो उसको देख लेंगे, जो है कहीं ना कहीं तो होगा ही, एम्स का अगर अनसॉल्व आप लिए होंगे तो एम्स का GK पोर्शन से भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन उस टाइम पूछते थे, तो रख देते हैं इधर उधर क्वेश्चन वही जो है उठा के। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बियाटिक बायो फर्टिलाइजर, एजोबैक्टर माइक्रोराइजर, इसके बाद राइजोबियम, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ये 11th की NCERT से है। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एज ए बायो पेस्टिसाइड फर्स्ट ऑन कॉमर्शियल स्केल इन द वर्ल्ड, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस BT, और BT काटन, ये चैप्टर्स है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे जो है। इकोलाई भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्बिफेंसिस पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, द TI प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट द प्लाज्मिड इज फाउंड इन,
एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड जो है ट्रांसजेनिक इसको यूज किया जाता है प्लाज्मिड में, इसको एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेरम। द टेक्निक और डीएनए लाइगेस और डीएनए ये जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स यूज टू एम्पलीफाई ए सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलएस जेफरी का नाम आपको पता होना चाहिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप्स वगैरह ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एलएस जेफरी का नाम 2021 में पूछा था। 50 क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है जो अटल बिहारी के जो क्वेश्चन आते हैं इतने सिंपल होते हैं, देखिए सब सिंपल ही क्वेश्चन, अगर ये सब नहीं आ रहा आपको तो क्या आ रहा है। अगर ये चीज़ें अगर पूछ रहा है द टेक्निक्स यूज इन एम्पलीफाइंग स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इज क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर वगैरह, ये चीज़ें आपको बार बार पढ़ लें एक झटके में निकल जानी चाहिए, मतलब एक ही बार में सही हो जाए। डीएनए इज इट्स इज करेक्टराइज क्या है, बाय रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल, बाय इंक्रीज नंबर ऑफ किलर टी सेल, बाय रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जो है एड्स जिसको हो जाता है ख़त्म हो जाती है, बाकी और डिसीज पकड़ लेता है। और एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, एड्स के बारे में थोड़ा सा याद रख लेंगे। एड्स का मेन वायरस क्या है, रेट्रोवायरस ही है ना हाँ। इसके बाद एचआईवी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, ये पता होना चाहिए। और एड्स वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज, ये पता होना चाहिए। और ये चीज़ इतना आपको जो है एड्स के बारे में पता होना चाहिए, बाकी कुछ एड्स के बारे में आपको, और बाकी ये तो पता चल गया कि ये जो है आपकी हेल्पर जो टी सेल होती हैं ये जो है ये धीरे धीरे इनका रिडक्शन होने लगता है, ख़त्म होने लगती हैं, इनके नंबर जो है घटने लगते हैं। द रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर किलर टी सेल, तो यहाँ पर देखिए हेल्पर और किलर, तो इसको भी आपको देखना है, ये सिली मिस्टेक से आपको बचना है। मतलब यहाँ जैसे बहुत स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे बाय रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल, तो सीधा एक मार्क चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए किलर है, यहाँ पे देखिए हेल्पर है, ये सिली मिस्टेक्स आपको देखना है, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये आपको जो है यही इम्प्रूवमेंट करना है, ये चीज़ें आपसे जो है गलत ना हो पाएँ। तो आशा करते हैं 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बाकी आंसर ये है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा, इसको आप लोग जो है सही से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए, इस लेवल के क्वेश्चन, हमारा दिखाने का मतलब यही है क्वेश्चन के लेवल ऐसे ही पढ़िए। और क्वेश्चन भी ना पढ़ें तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, हमारा तो यही कहना है कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ें। सिलेक्शन अगर आपको लेना है, जो हम पढ़े हुए हैं वही आपको बता रहे हैं, बाकी दुनिया भर का कौन सा क्या वीडियो बना रहा है उससे आपको कोई ज़्यादा हमको नहीं मतलब रखना चाहिए, लेकिन जो आप हमारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं बस यही कहना चाहते हैं हम कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, बाकी इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। एनसीईआरटी इज इनफ फॉर सिलेक्शन इन योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।